हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी सुबह का टाइम हुआ है तो बाहर का मौसम जो है अभी बारिश हो रहा है, क्योंकि मानसून आ गया है तो हर रोज़ बारिश अभी हो रहा है, तो इसीलिए हरियाली है, पेड़ पौधे सब हरियाली, तो बाहर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए इतना ग्रीन ग्रीन कलर लग रहा है, अभी बारिश भी थोड़ा धीमी धीमी चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम ऐसा देखने में बहुत ही खुशी मिलती है। तो उसके बाद मैं ये ब्रेकफास्ट बनाने चली, तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाई है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए तो सुबह ब्रेकफास्ट में तो पत्ता गोभी मुझे भी पसंद है, वो मेरे हस्बैंड को भी, तो इसलिए मैं पत्ता गोभी बनाई हूँ। तो पत्ता गोभी रोटी के साथ ही खाएंगे, तो रोटी और पत्ता गोभी सुबह का ब्रेकफास्ट में। तो रोटी अगर फूले तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बिना फूला रोटी खाने में थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है, तो फूला फूला हुआ रोटी खाने में पसंद है। तो अभी कुछ देर बाद शान भी जो है अभी उठी है, तो उठ के यहाँ पर देखो बैठी है, अभी तक तो उसकी नींद जो है पूरी नहीं हुई शायद, इसीलिए यहाँ पर बैठी है, खुद भी बैठी है और अपने तीनों टेडी को भी देखो कैसे बैठाई, तो तीनों के तीनों टेडी उसके बैठे हैं उसके साथ। तो सुबह उसका फोर फ्रेंड, तो टीवी पर सुबह जो है मैं भजन एक चैनल पर आ रहा था, तो मैंने उसे ऑन किया, तो सन भी जो भजन देखे वो भी भजन को एंजॉय करने लगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस वो जो कर रहे थे तो वही क्लैपिंग कर रही थी, वो भी तो देख रही थी वैसे वो कैसे वो लोग क्लैप कर रहे हैं, तो वैसे ही वो भी कर रही थी। और नीचे ये देखो, तो उसने वहाँ पे नमस्कार किया नीचे, तो मुझे देख रही थी मामा है कि नहीं, तो देखो वो तो भगवान जी की सुबह सुबह आरती। तो कुछ टाइम बाद जो है हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो कुछ टाइम बाद ब्रेकफास्ट करने के उस समय बाद हम बाहर गए थे, तो सब जगह तो अभी बंद है, क्योंकि अभी जो है हाईवे पे ही सिर्फ घूम रहे थे, तो एक जगह हमने देखा कि बहुत सारे कार जो है, आई थिंक सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड ये तो नहीं पता, पर बहुत सारी कार जो यहाँ पे पार्किंग किया हुआ था, तो एक साथ इतनी सारी कार देख के मैं अटक गई, तो उसका छोटा सा स्नैप ले लिया। तो देखिए कितने सारे कार का भीड़ यहाँ पे, आई थिंक कितना 1,000-2,000 पता नहीं कितने सारे कार्स यहाँ पे रखे थे, तो बस हम लोग खड़े होके वो कार को देख रहे थे, सामने बोली वाओ सो मेनी कार्स आर हियर। एंड ये जो देख रहे हैं ये मेरा बम्बू ट्री है, तो हमने इसे बहुत दिन हो गए घर पे लाए, अभी थोड़ा थोड़ा सा इसका न्यू पत्ता भी अब आने लगा है, तो घर में इसे रखने से इसे कहा